अख्तर उधेड़ हुआ टाइप शख्स, दरमियानी उम्र का, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शबे बेदारी की वजह से सुस्त, रात को जागता ज्यादा देर तक, सोता कम है, लिबास पजामा और कमीज है, आस्तीन चढ़ी हुई है जैसे जी आपकी आस्तीन है, आंखों के गिर्द नुमाया हल्के जैसे नींद की कमी की वजह से हमारी आंखें बता देती हैं, आपकी आंखों के गिर्द सर्कल पड़ते हैं, इसको क्रोस फीट भी कहा जाता है। चेहरे के तासरात और इसके अंदर की परेशानी को वाजे करते हैं। अगला सवाल, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था? अख्तर को न्याजी तस्वीरें बनाकर देता था। अख्तर तजम्मुल से लिए हुए पैसे उसे दे देता था। इस तरह न्याजी और इसके खानदान को गुर्बत की तंगी से कुछ इत्मीनान नसीब होता। तो अख्तर को तस्वीरें कौन बना के देता था? न्याजी। आप जहां तक भी जवाब देते हैं तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगला जवाब दिया वो जरा क्लियर कर देता कि क्यों देता था उसको तस्वीरें। तो अख्तर तजम्मुल से लिए हुए पैसे उसे दे देता था। इस तरह न्याजी और इसके खानदान को गुर्बत की तंगी से कुछ इत्मीनान नसीब होता था। न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की? ये आप अहम सवाल है, क्यों की अपनी तस्वीरें? न्याजी गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, यानी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। इसने अपनी और अपने खानदान की जिंदगी इज्जत और आबरू के साथ गुजारने के लिए अख्तर से इसरार किया कि वो इसको अपनी तस्वीरें बनाकर देता रहेगा। हालांकि अख्तर नहीं मान रहा था, कहता मैं तुम्हें देता रहूँ, इसके बदले में उसे अपने पैसे मिल जाए कि इसका उसके खानदान का इज्जत और आबरू से उसके साथ गुजारा हो सके। इसलिए जुकान न्याजी अपनी तस्वीरें अख्तर को देता था और अख्तर तजम्मुल को देता था, ये जाहिर करता था कि तस्वीरें उसने बनाई हैं, और जब तजम्मुल उसको पैसे देता था तो उसको पैसे अख्तर को उसको दे देता था न्याजी, तो इसलिए उसने तस्वीरें उसके हवाले की। अगला सवाल है, ये तस्वीरें अख्तर की नहीं है, इस इंकशाफ पे तजम्मुल का रद्द अमल क्या था? तजम्मुल को जब यकीन हुआ कि ये तस्वीरें अख्तर की नहीं तो इस इंकशाफ में हैरत अंगेज बात, तब उसे शदीद धचका लगा, एक बड़ा सा झटका लगा उसे। उसने गुस्से से अख्तर को कहा कि तुम मुझे अब तक धोखा देते रहे हो, मैंने बेकार में इतनी आसाइशें मुहैया की कि मैं तो तुम्हें ये समझता था जैसे तुम मुझे तस्वीरें बना के देते हो, जबकि तुम अपने दोस्त से तस्वीरें बनवा कर मुझे देते थे, और मैं कौन का तुझे समझता था कि तुम तस्वीरें देते हो। तो तजम्मुल को गुस्सा आ गया। इस तरह बातें हमारे पास अभी और सवालात हैं, सवालात मुख्तसर हैं, आसान हैं, तो लिहाजा इससे परेशान नहीं होना। वो कहता है सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का क्या नाम था? मौके है सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम अन्निशाद था, सबक की शुरू में भी है। तजम्मुल की उम्र कितनी थी? तजम्मुल की उम्र 40 और 50 के दरमियान थी। जितनी बात को पूछा था आपको पूछता जा रहा है उतना उसका जवाब दे। तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? तजम्मुल ने अख्तर को जो खुशखबरी सुनाई कि उसकी तस्वीर ने अव्वल इनाम हासिल किया, जबकि हकीकत में वो न्याजी की तस्वीर। अख्तर 2 साल कम कहाँ रहता था, यानी पहले कहाँ रहता था? अख्तर 2 साल कम एक तंगोतारी कोठरी में रहता था, वो गरीब और कल्लाश मुसव्वर था। कल्लाश का मतलब जो था गरीब, इंतहाई गरीब, जिसके पास पैसे ही ना हो उसको कहा जाता। अगला सवाल है, अख्तर के नजदीक न्याजी का कातिल कौन था? अख्तर के नजदीक न्याजी का कातिल तजम्मुल था, जिसने एक मुसव्वर के फन को मारा और दूसरे की जान ले ली। तो यहाँ अगला सवाल है, मिर्जा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है? मिर्जा अदीब ने इस ड्रामे में मुआशरे में मौजूद रियाकाराना किरदारों से मुतारफ कराया है सरमायादार अफराद, यानी अमीर लोग, गुर्बत में पिसे हुए मुफलस व कल्लाश हुनरमंदों और फनकारों के फन को अपना जरिया शोहरत बनाते हैं और अपनी शख्सियत चमकाते हैं। अच्छा, इसके बाद है अगला सवाल, इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखिए। बिल्कुल नाम लिखेंगे ही, बाबा है, बाबा क्या है जी? नौकर है। अख्तर है, अख्तर क्या है? एक मुसव्वर है। तजम्मुल है जी? एक सरमायादार है। रऊफ है, तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है, और न्याजी है अख्तर का मुसव्वर दोस्त। तो ये वैसे सबक में आपको 4 किरदार लिखे हुए हैं, अगर आप शुरू में देखें तो 5वां किरदार उसने जो है वो उसको नहीं लिखा, तो मैंने इसको लिख दिया। बहरहाल इसके बगैर भी आपका गुजारा हो जाएगा। तो ये है आपके सवाल का जवाब, 5वें क्या है? अल्फाज की जमा लिखें, अल्फाज की जमा लिखें। मंजर की जमा है मनाजिर, तस्वीर की जमा है तस्वीर, बाग की जमा है बागात, खबर की जमा है अखबार, वैसे खबरें भी होता है, इनाम की जमा इनामात, तकलीफ की तकालीफ भी होता है, तकलीफें भी होता है, तो दोनों में से आप कोई ये कर सकते हैं। ये जब हम कर लेंगे उसके बाद अगला सवाल हमें आने किताब के ऊपर करना पड़ेगा, खाली जगहों को फोन करें।
और ये सबक के अंदर से लिया गया है, सबक के अंदर से आप उसको देख सकते हैं। और अच्छा जी, जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम, अव्वल इनाम आप लिख लें, ये सबक के अंदर मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। मैंने तफसीर मालूम करने के लिए रऊफ को भेज दिया है, इसमें आप लिखेंगे रऊफ सेक्रेटरी है उसका। तुमने मुल्क के तमाम मुसफिरों के मुकाबले में, इसमें मुसफिरों का जिक्र करेंगे, मुसफिरों के मुकाबले में। आगे है, तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए शहर के मुअज्जिज़ीन आ रहे हैं, ये सबक में मौजूद है, वहां से भी आप तलाश कर सकते हैं, मुअज्जिज़ीन आ रहे हैं। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, ये भी सबक में मौजूद है। मेरे फन की बेहतरी, मेरे फन, फन आएगा जी। आगे है, आपके तसव्वुरात का शीश महल, पहली में तसव्वुरात आएगा, दूसरे में शीश महल आएगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई अफसाना नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीख और एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नजरों में तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। अब जरा उस पर आ रहे हैं, इराब की मदद से तलफ्फुज़ वादे करें। अब हमारे पास जो है वो जगह कम है, तो मैं इसको जुबानी बोल देता हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। तजम्मुल है, मुसव्विर, ताज्जुब, और इसके बाद है मुस्तहिक, एजाज, मुअज्जिज़ीन, एहतमाम, संजीदा, मुआमला और मुअम्मा। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें, सरकार मुअन्नस है, वैसे बास जब वो में ना सरकार मुजक्कर भी लिखा गया, जैसे मेरे सरकार, तो उसको मेरी सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ आप इसको लिख लें, बाद किताबों में ये मुअन्नस है, बाद में ये मुजक्कर है, तो फिलहाल आप इसको मुअन्नस लिख लें, मेरी सरकार। तो पाजामा मुजक्कर है, कमीज मुअन्नस है, अखबार मुजक्कर है, मुसव्विर मुजक्कर है, तस्वीर मुअन्नस है, झोंपड़ी मुअन्नस है, तौहीन मुअन्नस है, मेहमान मुज़क्कर है, और नुमाइश मुअन्नस है। इस तरीके से करके मैंने इनको अलग अलग जो है थोड़ा बोल दिया, जगह की कमी की वजह से इसको मैं नहीं लिख पाया, तो अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप उसमें पूछ सकेंगे। आगे है, दोनों कॉलम्स को मिला दें, तजम्मल को आपने मिलाना है सरमायादार से, बाबा को मिलाना है नौकर से, मिर्जा अदीब ड्रामा निगार, रऊफ सेक्रेटरी, और अख्तर मुसव्विर। कहते हैं मानी लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तो इस किस्म का सवाल जो है पेपर में तो नहीं आता, बहरहाल आप उसको देख लीजिएगा, अगर कोई मसला हो तो मैं आपको ये बता दूंगा। जुबानी तो जगह की कमी की वजह से इसको मैं नहीं करवा रहा, ड्रामे का भी लिखा हो इसको पढ़ लीजिएगा, मुकाबला नहीं इसी का इसको देख लीजिएगा, ये आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज जिसे आप कहते हैं उसने दिया हुआ है, तो इसमें आप उसको पढ़ लीजिएगा अपने तौर पर। हमारा सबक लहू और तालीम मुकम्मल हो गया, ईद से पहले सबक था, आज इसकी मशक मुकम्मल की। अब आप आएँगे मुकालमे पर, मुकालमे पर हमारा आज का जो मुकालमा होगा वो ज़रा सुन लें क्या होगा। दो हम जमातों के दरमियान रिश्वत सतानी के बारे में, रिश्वत हमारे यहाँ जो आम है उसके बारे में दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, और फिर क्या बात है ज़रा देखिए। हामिद कहता है अस्सलाम वालेकुम, महमूद कहता है वालेकुम अस्सलाम, आप तो ईद का चांद हो गए हैं, कभी मिलते ही नहीं। हामिद कहता है यार क्या पूछते हो, बस फुर्सत ही नहीं मिलती, आज खसूसी तौर पर वक्त निकाल कर मिलने आया हूँ। महमूद कहता है कैसे, कोई खास काम है? हामिद कहता है हाँ, मुझे रिश्वत सतानी पर एक मजमून लिखना है, चाहता हूँ आपसे सिलसिले में गुफ्तगू हो जाए। महमूद कहते हैं भाई ये तो बड़ा आम सा मौजू है, आजकल तो रिश्वत का बाजार खूब गर्म है। हामिद कहते हैं ये एक ऐसी बात है जो
बड़े छोटे की जुबान पर है, लेकिन कुछ सोचा भी है कि सर वजह क्या है? महमूद, बस वजह यह है कि हर शख्स के दिल और दिमाग पर अमीर बनने की धुन सवार है। माहौल कुछ भी हो, कुछ ऐसा हो गया है कि हमने जिंदगी को बहुत मुतकल्लफ बना लिया, हमने मस्नूई बयारे जिंदगी इख्तियार कर रखा और हम उसे बरकरार रखने के लिए जायज व नाजायज जराए इस्तेमाल करते हैं। हामिद कहते हैं तुमने सही तजिया किया, हकीकत भी यही है, हर शख्स रुपये के पीछे भाग रहा है, ये रुपया किस तरह आता है इस बात की उसे परवाह ही नहीं। महमूद, हाँ आज के दौर में हमने सादा तर्ज जिंदगी तर्क कर दिया है, बस तकल्लुफात के चक्कर में फंस कर रह गए हैं। हामिद, ये दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि लोग रिश्वत देते ही क्यों हैं? महमूद कहते हैं इसकी वजह यह है कि किसी दफ्तर या महकमा में चले जाए, किसी दफ्तर या महकमा में चले जाए तो लोगों के जायज काम, लोगों के जायज काम भी सर अंजाम नहीं पाते, और वाकई बल्कि इस तरह तरह के रोड़े अटकाए जाते हैं कि मजबूरन लोगों को अपना काम निकालने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। हाँ ये ठीक है कि अक्सर लोगों के जायज काम भी अटके रहते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ लोग रिश्वत के जरिए नाजायज काम भी करवाते हैं। वो मिलाजमों को खुद रिश्वत की तरकीब देते हैं, दफ्तर वगैरह में लो जी आप काबू का नाला शिकार भी किया। महमूद, ये बिल्कुल बजा है, रिश्वत देने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों उसके जिम्मेदार हैं। हामिद कहते हैं आखिर लोग खुदा का खौफ क्यों नहीं करते? क्या उन्हें मरना नहीं? वो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ये लोग नहीं जानते कि हमारे खसूस अकरम सल्लम की हदीस है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है? महमूद, वाकई ये हदीस मुबारक है और सभी को मालूम है, लेकिन किसी को इस पर अमल करने की तौफीक नहीं। हामिद, आखिर रिश्वत का कला कमा किस तरह हो सकता है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? महमूद कहता है एक तरीका तो यह है कि लोग दिलों में खौफे खुदा पैदा करें, और दूसरा तरीका यह है कि हमारी हुकूमत इस सिलसिले में सख्त कवानीन बनाए और इन पर सख्ती से अमल कराए, जो लोग रिश्वत में मुलव्वस हों उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। हामिद कहता है वाकई यही इसका हल है, मेरा ख्याल है इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है, अब मैं बआसानी मज़मून लिख सकता हूँ, खुदा हाफिज। और महमूद कहता है खुदा हाफिज, दोनों दोस्त मुसाफा करते हैं और रुख्सत हो जाते हैं। अब एक ऐसा मोड़ जो हमारे माशरे में बड़ा सुलगता हुआ है, अहम है, इसके बारे में तो दोस्तों ने बात की, तो अब आगे चलते हैं। ये क्या बात है, मेहमान और मेज़बान के दरमियान मुकालमा है, मेहमान और मेज़बान के दरमियान मुकालमा। मेहमान कहता है एक तवील मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला और आपने मुझे अपने पास ठहराया, मेरी खातर मदारत की है, यानी मेरी खिदमत की है, इसके लिए ममनूने एहसान हूँ। कहता मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। मेज़बान कहता भाई शुक्रिया तुम, बेगानों का अदा किया जाता है, मैं तो कोई बेगाना नहीं। मेहमान, मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआगो भी हूँ कि इस गए गए गुजरे दौर में खलूस व वफा के पासदार मौजूद हैं। मेज़बान, ये तो महज आपके जज्बात हैं जिनकी कदर मेरे दिल में है, हकीकत यह है कि मैं आपके शान शायान कुछ भी नहीं कर सका और मुमकिन है कि इस इकामत के दौरान यानी आपने जो मेरे यहाँ क़याम किया ठहरे कुछ तकलीफ भी हुई हो। मेहमान, आपके ये जुमले तकल्लुफ के आयनादार हैं, जबकि खलूस व मोहब्बत को तकल्लुफ का पाबंद नहीं होना चाहिए, जहाँ तकल्लुफ आ जाए वहाँ से मोहब्बत रुखसत हो जाया करती है। हकीकत यह है कि मुझे यहाँ रहकर कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि रूहानी तौर पर एक ऐसी मुसरत मिली है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेज़बान फिर क्या कहता है, ये तो आपके अपने दिल की नेकी है, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कुछ दिन और मेरे यहाँ क़याम फरमाएं ताकि दिल खोल कर बातें हो सके। मेहमान कहता है मैं मजीद ठहरता मगर मुझे चंद जाती और अमूर की बुनियाद पर लाहौर जाना है और रावलपिंडी से रवाना होने का यही मकसद था। रास्ते में गुजरा वाला रुकना तो सिर्फ आपकी मुलाकात के लिए था, क्योंकि मेरे लिए यहाँ से आपसे मुलाकात किए बगैर गुजरना मुश्किल था। मेज़बान, मैं आपकी मोहब्बतों के लिए इंतहाई ममनून हूँ, चूँकि आपने कुछ ज़रूरी उम्र की तरफ इशारा किया इसलिए मैं आपको मजीद रोकना मुनासिब नहीं समझता। मेहमान, तो फिर भाई इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। मेज़बान कहता है रावलपिंडी वापस पहुँच कर खत जरूर लिखें क्योंकि वो भी मुलाकात का ही एक जरिया है। मेहमान कहता है ज़रूर लिखूँगा, मैं जाते हुए एक दिन तमाश करना चाहता हूँ कि आप अपनी अव्वलीन फुर्सत में रावलपिंडी तशरीफ़ लाएँ और कम अज़ कम एक हफ़्ते के लिए ज़रूर आएँ।
मेहमान कहता है अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर आऊँगा, मेजबान कहता है अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर आऊँगा, मेहमान कहता है याद रखिएगा खुदा हाफिज, और मेजबान भी कहता है खुदा हाफिज। तो दो मकालमे जो थे आपको मैंने आज पढ़ के सुनाए, कल आपके सिर्फ दो मकालमे और रह जाएंगे और ये हमारा सवाल भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है मैं आपका कुल साल जो है उसकी तकमील, और फिर आपका एक गलत विकास की दृष्टि, ये दो सवाल ग्रामर के बाकी हैं, बाकी हमारा सारा कोर्स जो है या कुछ एमसीक्यू उसके हवाले से मरूजी जो है उसके हवाले से कुछ बारी बातें करनी है। तो इंशाल्लाह जो है इसी महीने में आपका जो उर्दू की ग्रामर का कोर्स है वो मुकम्मल हो जाएगा। किताब हमारी जारी रहेगी क्योंकि उसमें भी हिस्सा नज़्म शामिल है, हिस्सा गज़ल शामिल है, हिस्सा नसर चल रहा है, तो मैं उसकी स्पीड कराती यूज़ कर दूँगा। तो ग्रामर आपकी एक दफ़ा फिर रिवाइज करेंगे तो फिर से शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल मेरा आज का सबक या लेसन मुकम्मल समझें।